मनरेगा लोकपाल के अंतर्गत गाड़ियां खत्म होने वाली हैं। उम्मीद है कि इसी सप्ताह लोकपाल राज्यों को मिल जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से इस पद के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विकास आयुक्त अरुण सिंह की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा 24 अगस्त से इंटरव्यू लिया जा रहा है। समिति में ग्रामीण विकास सचिव डॉ. मनीष रंजन, पंचायती राज सचिव राहुल शर्मा, मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी, JSLPS की CEO नैन्सी सहाय भी शामिल हैं। 55 शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स में से 24 का अब तक इंटरव्यू समिति ले चुकी है। बाकी के लिए बुधवार को इसकी प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक इंटरव्यू खत्म होने के बाद जल्दी ही इसका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। मुमकिन है कि 28 अगस्त तक सभी जिलों के लिए लोकपाल पद के लिए चयनित कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी जाए। इससे ये संभावना बन रही है कि सितंबर से सभी जिलों में मनरेगा लोकपाल देखने को मिल सकते हैं। मनरेगा को प्रभावी तरीके से बनाने में इनकी भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। ITP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।